नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं NBC 24। खबर कहलगांव नोखर थाना क्षेत्र के अरार गांव से आ रही है, जहां एक मासूम लड़की ने ससुराल वालों से तंग आकर खुद की जान ले ली। नोखर थाना क्षेत्र के अरार गांव में जितेंद्र कुमार यादव की नवविवाहित पत्नी नेहा कुमारी का शव घर में फंदे से लटकता मिला। ससुराल पक्ष के अनुसार नेहा ने गले में ओढ़नी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं सूचना पर पहुंचे नेहा के चाचा शिवचरण यादव ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया है। नेहा के ससुर विवेक यादव पर दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया है। केस में नेहा के पति, सास एवं ननद को भी नामजद किया गया है। घटना के बाद सभी आरोपित घर से फरार हैं। वही बता दें कि थाने अध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हत्या, खुदकुशी या दुष्कर्म, इस पर से पर्दा हटेगा। अनुमंडल पुलिस अधिकारी रेशु कृष्ण ने घटनास्थल का मुआयना कर लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना में खुठरी चांदपुर निवासी जयराम यादव की पुत्री नेहा कुमारी की शादी इसी साल 21 अप्रैल को अरार गांव में विवेक यादव के इंजीनियर पुत्र जितेंद्र कुमार यादव से हुई थी। शादी में उपहार स्वरूप लाखों रुपयों का गहना एवं बुलेट बाइक आदि सामान दिया गया था। शादी के बाद स्कॉर्पियो की मांग की जाने लगी, इसके लिए नेहा को प्रताड़ित किया जाता था। नेहा का पिता दिल्ली में रहता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।